सुहाना, कहाँ हो तुम? सुहाना, 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 खूबसूरती किसी के लिए वरदान साबित होती है तो किसी के लिए अभिशाप। गाजियाबाद की रहने वाली सुहाना का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बहुत सुंदर थी और इसीलिए उस पर एक जिन का दिल आ गया था। बचपन से ही सुहाना की जिंदगी एक जिन के कब्जे में थी। सुहाना के साथ जो भी होता था वो उसके कंट्रोल में नहीं था। वो एक कठपुतली की तरह थी। सुहाना नहीं जानती थी कि वो क्यों एक डरावनी दुनिया का हिस्सा बनी हुई है। कितना मजा आ रहा है। मैं तुमसे ज्यादा तेज चलाऊंगा। हाँ सच में, चल हट, अब मेरी बारी है। नहीं नहीं उतरूंगी। उतरती है कि मैं तुझे उतारूं? तू खड़ी रहकर मुझे देखती रहे। नजर है ना? कैसा लगा? अच्छे से बात तो मानती नहीं है, इसी के लायक ही है तू। ये क्या हो रहा है? ये अपने आप झूल रहा है, ये कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है ये? हमें सुहाना की तालीम बीच में ही रोकनी पड़ी। हर वालिद की तरह मुझे भी उसकी काफी फिक्र रहती थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे लेकिन मैंने कभी उन बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन एक दिन मैंने देखा वो अपने कमरे में अकेले अपने आप से खुद ही बात कर रही थी। बला से निजात पाने के लिए हमने फैसला किया कि हम दरगाह में पीर बाबा के पास चले जाए। ये मामूली जिन्नात नहीं है, खुद इब्लिस का साया है। इसको उतारने के लिए बच्ची को तकलीफ होगी। ये ताबीज इस बच्ची के गले में हमेशा रहने देना।
जिन्नात के खिलाफ काम आएगा। पर ध्यान रहे, ये ताबीज इसके गले से निकलना नहीं चाहिए, वरना इसकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी बाबा। उस खतरनाक जिन की कैद से आजाद होने के बाद सुहाना खुली हवा में सुकून की सांस लेने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिन दिन रात उसका पीछा कर रहा है। सुहाना के पिता मेहताब को सुहाना की शादी की फिक्र सताने लगी, पर हर रिश्ता सुहाना और जिन की किस्सों की वजह से टूट जाता। लेकिन इम्तियाज, दुनिया की परवाह किए बगैर सुहाना के साथ निकाह के लिए राजी हो गया। यहां निकाह की तैयारियां शुरू हुई और वहां जिन गुस्से से पागल हो गया। फिर क्या हुआ? क्या जिन ने उन्हें सुकून से जीने दिया? इम्तियाज बिनते शफीक, आपका निकाह सुहाना के साथ 11,000 मेहर के साथ किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। सुहाना बेगम, आपका निकाह इम्तियाज के साथ 11,000 मेहर के साथ किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल। आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप मुझे तुम बुला सकते हैं। और आप भी मुझे, मतलब तुम भी मुझे तुम कह सकती हो। सुहाना, लगता है पड़ोस में आग लग गई, मैं भी आता हूं। आइए, आराम से आराम से आराम से। जब मुझे पता लगा कि सुहाना पर जिन्नात का साया था तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। तभी मैंने फैसला किया
कि इसे अपने बेटे के आसपास जरा भी फटक नहीं दूंगी। अम्मी, खाना बन गया है, परोस दो। चल हट यहाँ से, मैं तेरे हाथ का खाना खाऊंगी, मैं अपना चूल्हा खुद जलाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि तूने कैसे मेरे बेटे को जंतर मंतर से अपने काबू में कर रखा है। खाना तो दूर, मेरे पास भी मत फटकियो, चुड़ैल कहीं की। क्या हुआ सुहान, मुझसे कोई गलती हुई? मतलब गलती किसी और की और मुंह फुला के बैठे हो हमसे, ये तो गलत बात है ना? अच्छा मैं क्या सोच रहा हूं, क्यों ना मार्केट चले, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा और रोमांस भी हो जाएगा। अरे ये सब तुमने क्या पहन रखा है? ये वो बाबा ने दिया था। सुहाना छोड़ो ना ये सब, और हम दोनों के बीच में कोई और क्यों आए? नहीं नहीं, इसे सच में मुझे बहुत फर्क पड़ा। यकीन नहीं है अपने इम्तियाज पे? ये बिजली को क्या हो रहा है? ओ, इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? सुहाना मैं कैंडी लेके आता हूँ, ठीक है? सुहाना कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। सुहाना, 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 सुहा सुहाना कहाँ हो तुम? सुहाना सुहाना, सुहाना, आंखें खोलो, सुहाना आंखें खोलो, सुहाना, सब ठीक तो है ना डॉक्टर? हाँ, लेकिन सिम्टम्स मिर्गी के हैं, मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं,
और कुछ समय बाद आप उसे घर ले जा सकते हो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कीजिए, ओके? जी। ये मिर्गी के दौरे भी अजीब थे, कभी आते थे और कभी नहीं आते, लेकिन जब आते थे तो पूरी जान निचोड़ते थे। इस दौरान तो अम्मी ने मुझसे बहुत फासला बनाए रखा, लेकिन इम्तियाज ने मेरी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वो मेरे पास में होते थे तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। शायद हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई, इसलिए उन्हें मुझे छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा। अच्छा अम्मी, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। लेकिन बेटा, तू मुझे इस डायन के साथ अकेला छोड़ के चला जाएगा? अम्मी, अब ये जैसी भी है आपकी बहू है, इसके साथ रहने की आदत डाल लो आप। और छोड़ो ये बेकार की बातें, इस उम्र में अपना वक्त कुरान शरीफ पढ़ने में लगाई। चलता हूँ। ये ताबीज इस बच्ची के गले में हमेशा रहने देना, जिन्नात के खिलाफ काम आएगा। अरे, वापस कैसे आ गए? अरे अम्मी, जैसे मैं घर से निकला, बॉस का फोन आया, उसने छुट्टियां बढ़ा दी, तो मैं आ गया। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अरे, बड़ा अच्छा किया बेटा जो तू आ गया। मैं तेरे लिए गोश्त मंगवा के अभी उसका तेरी मनपसंद वाला रोगन जोश बनवाऊंगी। और वैसे भी ना, बहू मुझे पानी नहीं पिलाएगी, जा। लाई अम्मी। अरे, जान बची तो लाखों पाए। अरे, बड़ा अच्छा किया जो तू घर आ गया, वरना इस चुड़ैल सुहाना का शक्ल देख देख के मैं मर जाती। अस्कर, दिन भर बक 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 करती रहती है। हाय ला, क्या क्या हो गया है तुझे? कुछ भी बोलता चला जा रहा है तू मुझे। अच्छा, इस चुड़ैल ने तुझे पट्टी पढ़ाई? बोला ना, चुप कर। अम्मी कसम, इन खुले बालों में तुम बहुत अच्छे लगती हो। इन्हें हमेशा ऐसे ही खुले रखना। इन कमबख्तों ने मेरे बुजुर्गों की शर्म लिहाज खो दी है। आप ठीक तो हैं? आपको इस तरह से अम्मी पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। उन पे चिल्लाऊं नहीं तो क्या सर पर बैठा लूं? वो हर रोज वही बातें करती हैं जान। तेरी
देखो ना जान के इतना अच्छा मौका मिला, छुट्टियां भी मिल गई तो। मम्मी आ जाएगी। अरे नहीं आ रहा कोई। हेलो। हाँ भाई पहुंच गया मैं सही सलामत। जी आपकी सुहाना, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। अच्छा मैंने यहाँ पहुंचते ही प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है, बहुत जल्द तुम और मैं साथ होंगे इंशाल्लाह। अब इम्तियाज और सुहाना को कोई छुता नहीं कर सकता। सालों बाद पुरानी आरज़ू पूरी होगी मेरी। सालों बाद? मेरा मतलब है दिनों बाद। तुमसे दूर रहता हूं ना तो मेरा एक एक दिन एक एक साल जैसा लगता है। या ना खुद चैन से जिएगी ना हमें चैन से रहने देगी। इस कमीनी को आज मैं घर से निकाल के दम लूंगा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आप होगी। एक बार में खोपड़ी में बात नहीं घुसती तेरी। मैंने क्या किया बेटा? मैं तो तब से यहीं बैठी हूं। वो मरी मुई बिल्ली होगी। इंसान की तो औकात नहीं मुझे रोकने की, बिल्ली की हिम्मत तो देखो। सुहाना इतनी जल्दी सो गई? उठो ना, देखो मैं आ गया। सुहाना शाही इमाम तस्लीमुद्दीन के मुताबिक जिन किसी का भी रूप ले सकते हैं। एक तरफ जिम इम्तियाज की शक्ल इख्तियार करके सुहाना के साथ शौहर की तरह रहने लगा और दूसरी तरफ असली इम्तियाज के दिमाग के साथ खेल खेलने लगा। इम्तियाज पैरानॉर्मल घटनाओं से तंग आकर अपने दोस्त रेहान से मिलने गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि धोखा और बदले का यह खेल कितना भयानक रूप लेने वाला है। कुछ तो गड़बड़ है मेरे दिमाग में, डॉक्टर्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं करूं तो करूं क्या? रुक मैं कुछ करता हूं यार, एक मिनट।
जी हाँ, दुरुस्त है, शुक्रिया। इम्तियाज भाई, मैंने जाफरी साहब से टाइम ले लिया है, और तू फिक्र ना कर, उनको इस तरह की सब चीजों से डील करना अच्छे से आता है। आप इसे जरा ही साहब, आपकी नजर उतारते वक्त मुझे एक 14 साल की लड़की झूला झूलते हुए नजर आई है, जिसके ऊपर एक बहुत ही ताकतवर जिन का साया है। साहब, कहीं आप इस लड़की की बात तो नहीं कर रहे? कौन है ये? मेरी बीवी है ये। इस तावीज ने ही आपकी बीवी को आज तक बचा के रखा था, वरना वो जिन कभी भी आपका निकाह उनसे होने नहीं देता। मगर अफसोस की बात यह है कि अब उसकी ताकत वापस लौट आई होगी और उसने फिर से आपकी बीवी पर कब्जा कर लिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसके गले से तावीज निकाला था। अब इस सूरत में किया क्या जाए? हमें फौरन इनके घर चलना चाहिए और इनकी बीवी को उस जिन की गिरफ्त से बचाना चाहिए। ड्राइवर साहब, थोड़ा तेज चलाइए ना। अरे देखिए, थोड़ा आराम से। अरे इधर आप ड्राइवर साहब, थोड़ा ऐसा। आफरीदा, आप भी ठीक है? काफी चोट लगी है, अरे हिला नहीं जा रहा। रेहान भाई, आप यहीं रुकिए, जाफरी साहब का ख्याल रखिएगा, मैं सुहाने के पास जाता हूँ। देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है, हम सब साथ जाएं वहाँ पर। अगर आप अकेले कोई कदम उठाएंगे तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। नहीं जाफरी साहब, आप चाहे कयामत भी आ जाए, मैं अपनी सुहाना को बचा के रहूंगा। क्या हुआ मेरी जान, यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा, हमारे होते हुए हमारे जान को इतनी बेचैनी? मुस्कुरा दो जान एक बार। कुछ नहीं जान, किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज है।
रुको, क्या हुआ? इम्तियाज यहां आया जरूर था, मगर यहां से आगे जा नहीं पाया। क्यों? कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा। यहां कुछ है? यहां पे जो भी मेरे रास्ते में आता है, मैं उसे अपने रास्ते से हटा देता हूं। अब लड़ाई आमने सामने की थी। एक तरफ था वो खतरनाक ताकतवर जिन और दूसरी तरफ मौलाना जाफरी और रेहान। जिन अपनी पूरी शैतानी ताकत के साथ सुहाना के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म कर देना चाहता था। क्या इम्तियाज का दोस्त रेहान और मौलाना जाफरी सुहाना को उस जिम से मुक्त करवा पाएंगे, या वो भी इम्तियाज की तरह मर जाएंगे? ये सब यहां रख दो। जाफरी साहब, ये सब आप क्या कर रहे हैं? उधर जिन ने इम्तियाज को मार दिया, पर इस वक्त सुहाना भाभी की जान खतरे में है। ये सब मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। इस आटे से मैं यहां एक घेरा बनाऊंगा और उस नामुराद जिन को इजार में बंद कर दूंगा। तुम जाकर सुहाना को ले आओ। उसे भी तो मालूम होना चाहिए कि जिसके साथ वो रह रही है उसका शौहर नहीं, एक जिन है। भाभीजान। अस्सलामुअलैकुम रेहान भाई। वालेकुम सलाम। आप पीछे के रास्ते से क्यों आए? भाभीजान, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। कहो। आप इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आपके साथ जो रह रहा है वो इम्तियाज नहीं, जिन है। रेहान भाई, ये क्या मजाक है? मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए आप मेरे साथ। अरे अरे, आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। कहाँ ले जा रहे हैं आप? रेहान भाई, आपका दिमाग तो ठीक है ना? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? आप जल्द से जल्द जाके जाफरी साहब से मिलिए इस गेस्ट हाउस में। और सच तो यह है कि इम्तियाज अब जिंदा नहीं रहा। देखिए रेहान भाई, मैं अपने शौहर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। भाभीजान, भाभीजान सुनिए तो। आप इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आपके साथ जो रह रहा है वो इम्तियाज नहीं, जिन है। 8 सालों बाद पुरानी आरज़ू पूरी होगी मेरी। सच तो यह है कि इम्तियाज अब
जिंदा नहीं रहा। ये बुढ़िया नखो चैन से रहेगी तो हमें चैन से रहने देगी। दिन भर बक 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 करती रहती है तू। दिक्कत क्या है तेरी? आप जल्द से जल्द जाके जाफरी साहब से मिलिए इस गेस्ट हाउस में। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? जो बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सब जान चुकी हूं कि तुम एक जिन हो। मुझ पर कब्जा करने का तुम पर इतना जुनून था कि तुमने मेरे शौहर को मार दिया। न जाने कितने रूप बदले, लेकिन आज भी सच बोलने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। सुहाना देखो तुम कुछ। मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूं। तुमसे कौन लड़ पाया है? मैं तो सिर्फ एक गुजारिश करने आई हूं कि जिस तरह तुमने सबको मार दिया मुझे भी मार दो। मैं छुटकारा चाहती हूं जिंदगी से, तुमसे। और अगर ये तुम नहीं कर सकते तो ठीक है, ये काम मैं खुद ही करूंगी। सुहाना, बचपन से लेकर आज तक इसलिए तुम मेरे पीछे पड़े थे ना, क्योंकि तुम्हें मेरी आंखें पसंद है, मेरे बाल पसंद है, मैं पसंद हूँ। सब कुछ खत्म कर दूंगी आज मैं, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी। बैठ ढूंढते रहना मुझे तुम इस खाक में। अगर मैं इतिहास की नहीं हो सकी किसी के नहीं होंगी।
तुमसे दूर रहता हूं तो मेरा एक एक दिन एक एक साल जैसा गुजरता है। कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। अगर नहीं देख सकता तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से, हमेशा के लिए चले जाओ। ठीक है सुहाना, चला जाऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं सुहाना का हाथ मांगना चाहता हूं। मैं दिल्ली जाती अपना फ्लैट ले लूंगा, फिर तुम मैं और अम्मी तीनों दिल्ली शिफ्ट हो जाए। और सच तो यह है कि इम्तियाज अब जिंदा नहीं रहा। कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस कहानी में सुहाना के साथ जो हुआ वो कभी ना भूलने वाला एक किस्सा है। इस्लाम में माना जाता है कि इंसान मिट्टी से बना है और जिन आग से। जिन अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, इनका जिक्र कुरान शरीफ में भी मिलता है। दहशत की अगली दास्तान में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और अद्भुत अनदेखे किस्से। देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।